हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, मेरा सुबह का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, नहा ली हूँ और पूजा कर ली है और मिष्टी को नहला दिया है, रेडी कर दिया है। मैंने आपको बताया था ना, कल इसका रेड कलर डे है स्कूल में, तो नहला करके रेडी कर दिया है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लग रही है, कैसी लग रही है मेरी मिष्टी और फ्रॉक कैसी लगी है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो ये देखिए, इधर आओ। और ये हो गई हैं मिष्टी बिल्कुल रेडी जाने के लिए स्कूल। और आज इनकी स्टडी नहीं होगी, बस सेलिब्रेट करेंगे रेड कलर डे। हाँ, शूज भी दिखा रही हैं अपने रेड कलर में। इसके सैंडल्स या बेली कुछ भी मिला नहीं था, तो ज़बरदस्ती मुझे ये गोल्डन कलर में लेकर के आने पड़े हैं। और अब ये हो गई हैं रेडी, बस इनकी बहन आने ही वाली है। और इनको आज बुक्स वगैरह कुछ नहीं लेके जानी है, बस लंच और फ्रूट्स लेके जाना है, वाटर बॉटल ले। ये देखिए, इसका हेयर बैंड देख लीजिए, पहले हेयर बैंड दिखा रही हैं आपको। और फ्रेंड, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी बहन तो आने दो, तो अभी बच्चों के जाने के बाद और घर का काम तो मेरा हो गया था। नाश्ता पानी करने के बाद मैं आगे निकल आई हूँ अभी घर से, तो मुझे जाना है अभी हाथरस। हाथरस में कुछ काम है, मैं आपको वहाँ से आने के बाद बताऊँगी कि क्या काम था मेरे को। तो ये देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ हाथरस। और सबसे पहले बुक सेलर की शॉप पड़ी थी, तो वहाँ से मैंने ये रजिस्टर लिया था। और फिर यहाँ से आगे जाना पड़ा था मार्केट के लिए, वहाँ से मैं ये कपड़े लेकर के आई थी। कितनी तेज धूप हो रही है आज, मैं छाता लेकर के गई थी, इसी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगी है। फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ अभी घर पर। और मैं गई थी यहाँ से लगभग 10 बजे गई थी, और अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो गए हैं, तो 11:30 बजे मुझे वहाँ पर हाथरस में 1.5 घंटा लग गया। जाने में ही लग जाते हैं 20 मिनट तो ऑटो रिक्शे से। और ये स्पाइरल नोट्स वाली रजिस्टर लेके आनी थी, स्पेशली इसके लिए गई थी मैं हाथरस, क्योंकि ये जो है यहाँ सासनी में कहीं भी मिली नहीं थी। ईशा के लिए चाहिए, उसका वर्क जो है पेंडिंग हो गया है काफ़ी, तो ये सासनी में कई चक्कर लगाई थी, यहाँ पर मिली नहीं थी, मैं इसे लेने के लिए गई थी। और उस दिन मैंने ये अपना कुर्ता सिला था ना, आपको दिखाया था ये वाला, तो इसके लिए भी मैं ये कपड़ा लेकर के आई हूँ। और इसमें से मैं सिलूँगी प्लाजो, यानी सर्कुलर प्लाजो सिलूँ या फिर ट्राउज़र सिलूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं इसमें से क्या सिलूँ। इस कुर्ते के साथ यही मैच कर रहा है ना, और ये दुपट्टा, तो ये सेट हो गया है कंप्लीट। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इस कुर्ते के साथ सर्कुलर प्लाजो ट्राउज़र क्या सिलूँ, या फिर लूज़ प्लाजो या प्लाजो नॉर्मल, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रखी थी और मैं छाता लेकर गई थी, इस वजह से धूप मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुई है। और आप लोग भी जब भी कहीं बाहर जाएं तो छाता लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है इस टाइम। अभी मैं यहाँ से 10 बजे गई थी, उस समय भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए गर्मियों में। तो हाथरस से आने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और पानी वानी पिया, फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी बज गए थे 11:30 और 12 बजने वाले थे, 12:15 हो रहे थे, तो बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे हो जाती है। तो मैं आज खाना नहीं बनाया था सुबह, और लंच में मैंने बच्चों को हलवा पैक करके दिया था, तो मैं ना अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे तो खाना बना रही हूँ उसके लिए, तो मैं यहाँ रख रही हूँ आलू उबालने के लिए। और आलू उबालने मैंने रख दिए हैं, और ये देखिए सुबह के बर्तन पड़े हुए थे थोड़े नाश्ते वगैरह के, लस्सी वस्सी के, तो मैं तभी मार्केट चली गई थी, फिर अभी इसीलिए मैं बर्तन साफ़ करने में लगी हुई हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद करूँगी अभी ये स्लिप साफ़,
स्लिप तो मेरी दिन में कितनी ही बार साफ़ होती ही रहती है, क्योंकि अभी बर्तन साफ़ करूँगी तो थोड़ा पानी वानी हो जाएगा यहाँ पर, तो बर्तनों को हटा करके और ये स्लिप साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए ये बर्तन हो चुके हैं मेरे साफ़। तो फ्रेंड बच्चों के स्कूल से आने में बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है, इतने में खाने की तैयारी करके रखूँगी और बच्चे आ जाएंगे तो गरम गरम खाना उनके लिए बना दूँगी। और ये देखिए बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं और आलू मेरे उबलने ही वाले हैं, बस सीटी आनी शुरू हो गई है। और ये देखिए आलू उबल रहे थे, इतने मैंने लगा दिया है यहाँ पर आटा। और फ्रेंड आटा मैं लगा रही हूँ किसका अभी बताऊंगी इसलिए थोड़ी देर में, और आटा थोड़ी देर पहले लगा करके रख दो तो थोड़ी देर बाद रोटियां बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट और फूली फूली रोटियां बनती हैं। और आटा सेट हो जाता है थोड़ी देर पहले लगा करके रख दो तो। और आलू मेरे उबल चुके थे तो गैस मैंने बंद कर दिया है और आटा लगा करके फिर मैं आलुओं को देखूँगी, चेक करूँगी और ठंडे करके रख दूँगी उनको आलुओं को। और आलू की बनाऊंगी मैं पिट्ठी, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए आलू की कचौड़ियाँ। तो फ्रेंड आलू की कचौड़ी और दही के साथ दूंगी बच्चों को, आ जाएंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा। बच्चे रोज़ रोज़ बोलते हैं कि मम्मा आप रोज़ रोज़ सब्जी रोटी बनाती रहती हो, तो आज मैंने सोचा कि चलो आलू की कचौड़ी और दही दे देती हूँ बच्चों को, आ जाएंगे तो। वैसे भी दोपहर में दही वगैरह खानी चाहिए, अच्छी रहती है सेहत के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, राम राम सभी को फ्रेंड।